2 अक्टूबर के दिन दिल्ली में बरामद हुई 5600 करोड़ की ड्रग्स को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में मुद्दा बना दिया है। महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने पहले करीब 56,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, फिर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेल कर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेल कर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा कर 5600 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की थी, जिसका तार कांग्रेस नेता से जुड़ रहा है। इस मामले में गिरफ्तार तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन रहा। कई कांग्रेस नेताओं के साथ उसके फोटोज सामने आए हैं। तुषार गोयल दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। तुषार गोयल के बहाने ही पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर है। ठाणे की जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वहां की जनता से बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह साफ साफ बटेंगे तो कटेंगे वाली बात तो नहीं कही, लेकिन इशारों इशारों में समझा दिया कि आप अगर बटेंगे तो वो महफिल सजाएंगे। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले कहा है कि कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।